सच में सबसे पहले तो सखी के ब्याह इस फिल्म के पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गाने भी हिट हो और फिल्म सुपर हिट हो, और साथ ही साथ ये बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस रानी से मिले हैं, और हम और रानी बहुत एक बहुत सारे मेरे गाने पे रानी ने परफॉर्मेंस भी किया है, और ऐसा लगता था जैसे कि मैंने गाना नहीं गाया, गाना रानी ने गाया, ये अपने गाने को बनाई थी अपने एक्ट से, और अब तक जारी है और बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक्चुअली हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, ये सबको नहीं पता है। जब इंदु जी बॉम्बे आई थी और मेरी पहली फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, हम लोग तब से दोस्त हैं, और हम दोनों रात को जब साथ में सोते थे तो ये बात करते थे, एक साथ सोते थे यार, सोते थे अंधेरे में बात करते थे कि क्या होने वाला है। बट मेरी हैप्पी कि मैं इतने सक्सेसफुल देखती हूँ इंदु जी को, एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा, मैं मुझे बहुत खुशी होती है कि जो रानी की जगह है वो जगह कोई नहीं ले सकता। रानी जी के साथ तो पहले भी मैंने चार फिल्में कर चुका हूँ, सबसे पहले सभी को गुरु नमस्कार। और मैं मुहूर्त में बहुत कम जाता हूँ, मुझे डर लगता है मुहूर्त में, क्योंकि इंटरव्यू में होता है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ कुछ। और ये नंदी जी की फिल्म है, इनके पहले भी मैं तीन चार फिल्म के साथ कर चुका हूँ, वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, और बहुत बारीकी से कह जाते हैं मुझे ये चाहिए और जो मैं समझ भी जाता हूँ क्या चाहिए। और प्रोड्यूसर उनका बस बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा उनका सा होना ही चाहिए। और सबसे खुशी की बात है मेरी रानी इस फिल्म में है, और मैं दौड़ के इसके लिए आया फिल्म सिटी से, जब मैं दो मिनट के लिए जाऊँगा जब जाऊँगा ज़रूर। रानी जी का जितनी तारीफ की जाए कम है, वो डांस में, एक्टिंग में, इंसान, शुरू से मैं किसी भी सेट पे रहता हूँ लेकिन रानी जी का जरूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि हम लोग को एक दिन में गाना करना पड़ता है, ड्रेस दो तीन चेंज होता है, हम बंद जाओ चेंज करके आते हैं, लड़कियाँ बहुत टाइम लगाती हैं, मैं मतलब रानी जी देखो जाती हैं, और पहले उनका काला मेकअप था, एक फिल्म कर रहे थे मोना जी और रानी जी थे, काला मेकअप धो के उनको आना था लेकिन वो पहले आके बैठ गए। सखी का ब्याह की जो मुहूर्त है इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, शादी के बारे में बहुत से सवाल जवाब हुए, मेरा ये मानना है शादी जो है दिल का मिलन नहीं है, विचारों का मिलन, ऐसा मेरा मैं पर्सनली से सोचता हूँ कि अगर विचार मिल गए, उनका भी शादी नहीं हुआ है ज्यादा अनुभव रहेगा ना, ऐसा मेरा मानना है। और मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ, इस पिक्चर्स की थीम जो है, इस पिक्चर की जो जिस्ट है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये एक बच्चा है जो अपने माता पिता को बाद में जब उसको मालूम होता है कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे और उसके बाद उसको मिलाता है, तो दिस अ न्यू मैसेज टू द कमिंग फ्यूचर, जो हमारा न्यू जनरेशन है हम उसको देना चाहते हैं कि हमारा नज़रिया भी चेंज होना चाहिए, ये दकियानुसी जो नज़रिया हमारा है उससे हमको बाहर आने की ज़रूरत है। और इस पिक्चर के माध्यम से इतनी जितने भी कलाकार हैं उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है और इस मैसेज को समाज तक देना है, इस पिक्चर का ये मकसद है। मेरा नाम बॉबी आनंद है और मैं इस मूवी में एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, और मैं काफ़ी हिंदी मूवीज से मैं बहुत जुड़ा रहा, पहली बार मुझे मौका मिला है इस भोजपुरी मूवी से जुड़ने का। अभी तक बहुत ज़्यादा भोजपुरी मूवीज तो नहीं देखी है लेकिन ये ऐसी पहली मूवी है जो सच में जिसको मूवी कह सकते हैं, मतलब आप भोजपुरी मूवीज़ उठाओ उसमें कोई भी सब जैसे दादी दादा बहन माँ एक साथ बैठ के देख नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है ये भोजपुरी की पहली मूवी है। रानी जी के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँगा कम है क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। क्या होता है कुछ मूवीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ आपको नाचना होता है, गाना होता है और जहाँ बिहार में चाहिए वो, मगर ये ऐसी मूवीज़ है जिसमें एक्टिंग चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 100-150 मूवीज़ कर चुका है वही एक बहुत अच्छा एक्टर होता है। तो मेरे बहुत देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये किरदार रानी जी ही निभा सकते हैं। हमारे भारत के जो भारतीय संस्कार, मूल्य और परंपराएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं, यानी कि कीमती हैं। और ये जो मूवी है सखी के ब्याह, ये भारतीय संस्कारों पर आधारित है, नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। और जो ये हमारी आदरणीय अभिनेत्री जी हमारे साथ हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैंने इनको बहुत देखा, मैं इनकी बड़ी फ़ैन हूँ और इन्होंने इसमें काम किया है, तो निश्चित रूप से ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त सक्सेस होगी। और बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो स्टोरी है वो तो अच्छी है ही और साथ में रानी जी के जो अभिनय ने उसमें और
क्या कहा जाए सोने में सुहागा कर दिया है। तो महिलाओं को कभी भी इग्नोर ना करें, इस फिल्म का ये भी एक मैसेज जाता है, महिला सशक्तिकरण आज की प्रथम आवश्यकता है देश की, समाज की। और निश्चित रूप से आज महिला सशक्तिकरण का दिवस है क्योंकि हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और ये फिल्म जिस दिन सुपर डुपर होगी आप सब हम लोग एक साथ फिर होंगे और जश्न मनाएंगे।